नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में हम बात करेंगे मोदी सरकार के वादों से राहुल गांधी को महसूस हुई शर्मिंदगी की। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को खुला चैलेंज दिए ओबीसी की। राम मंदिर का क्रेडिट लेने के लिए जल्दबाजी कर रही भाजपा की। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक कदम आगे चल रही कांग्रेस की। बात करेंगे टीएमसी नेता मोहिया मोहित्रा पर गिरी गाज की। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में बीजेपी जन्मतिथि के लिए आधार कार्ड रखने वालों की परेशानी बढ़ा रही है। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले आपसे एक झूठा वादा किया, इसे लेकर मैं शर्मिंदा हूं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चौथे दिन नागालैंड में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर आपके पास किसी चीज का हल नहीं है तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम सिर्फ जमीन और आसमान बनाने वाले से डरते हैं और किसी से नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। AIMIM चीफ अजुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। साथ ही लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि आपको भी सिर्फ अल्लाह से डरना है, मोदी शाह या किसी हुकूमत से नहीं। तंबू में दो गुड़िया रखकर उसे राम कह दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कर्नाटक सरकार के मंत्री KN रजन्ना के बिगड़े बोल। कहा राम मंदिर का इतिहास हजारों साल का है, लेकिन भाजपा चुनाव के लिए मंदिर बनाकर लोगों को धोखा दे रही है। राहुल के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुरू की PDA यात्रा। लखनऊ से दिल्ली के बीच 13 जिलों को करेंगे कवर। बोले बाबा साहब ने जो सपने देखे उन्हें मेरे पिताजी ने पूरा करने का प्रयास किया। आज हम संकल्प लेते हैं कि उस पीढ़ी ने जो सपना देखा था हम उस पर काम करेंगे। सरकारी बंगला खाली न करने पर TMC नेता मोहिया मोहित्रा पर गिरी गाज। केंद्र सरकार ने थमाया नोटिस, लिखा फौरन खाली करें नहीं तो जबरन निकाला जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता का जो घोषणा पत्र होगा वही कांग्रेस का घोषणा पत्र होगा। पार्टी के दिग्गज नेता पी चिदंबरम का बड़ा ऐलान। कहा जनता के सुझावों के लिए रखा जाएगा पब्लिक प्रोग्राम। पूर्वोत्तर में घूम घूम कर नफरत फैला रही कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज। बोले कांग्रेस के 60 वर्षों के कुशासन ने पूर्वोत्तर को उपेक्षित और गरीब बना दिया है। अब आगे पूर्वोत्तर को मौत और बर्बादी के काले कांग्रेसी दिनों की ओर धकेलने की कोशिश ना करें। अगर PM मोदी 22 जनवरी से पहले गोहत्या पर बैन लगा देते हैं तो हम भी आ जाएंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का बड़ा बयान। कहा यह हमारी व्यक्तिगत भावना है कि गोहत्या पर प्रतिबंध के बाद हम दर्शन करें। जब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता तब तक राहुल की न्याय यात्रा में नहीं होंगे शामिल। ममता बनर्जी की TMC ने कांग्रेस को दिया अल्टीमेटम। असम के CM हेमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी को बताया एंटी हिंदू। प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस नेता के बयान पर जताई नाराजगी। कहा सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रही है, जबकि इसे भारतीय सभ्यता की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश उनका है जिन्हें सपा और बसपा का समर्थन प्राप्त है। बसपा नेता मलूक नागर का बड़ा बयान। बोले जो UP में जीतेंगे वो देश जीतेंगे, इसलिए अखिलेश यादव को PM उम्मीदवार बनाना चाहिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिलने के बाद भी शामिल नहीं होंगे NCP चीफ शरद पवार। बोले उस दिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचेंगे, इसलिए हम बाद में दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री ने केरल के गुरु वायरू मंदिर में की पूजा अर्चना, साथ ही त्रिप्रयार मंदिर में किए दर्शन। उधर कोच्चि में 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की दी सौगात। प्रगानंद ने एक बार फिर विश्व चैंपियन डिंग लेरेन को हराया। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर बने नंबर वन भारतीय ग्रैंड मास्टर। कोहरे के प्रकोप से दिल्ली में 170 फ्लाइट्स प्रभावित। जम्मू शिमला से ठंडा रहा पटना। उधर पंजाब हरियाणा में शीतलहर, इसके अलावा 5 राज्यों में हुई बारिश। 800 करोड़ में बने जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का बुधवार को हुआ उद्घाटन। चारों शंकराचार्य और 1,000 मंदिरों में लोगों को दिया गया था निमंत्रण। बुधवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1628 अंकों की गिरावट के साथ 71,500 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 460 अंक फिसल कर 21,571 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश केरल दौरे पर रहे PM नरेंद्र मोदी की, क्योंकि प्रधानमंत्री 16 जनवरी को यहां 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। दौरे के पहले दिन लगभग आंध्र प्रदेश को समर्पित रहा, जिसमें उन्होंने लेपाक्सी पहुंचकर 486 साल
पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा की, राम भजन गाया और रंगनाथ रामायण पर आधारित कठपुतलियों के जरिए प्रदर्शित राम कथा देखी। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे के दूसरे दिन की, जो केरल को समर्पित रहा। चलिए शुरुआत करते हैं। बुधवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के गुरुवायुरु मंदिर और त्रिप्रयाग श्रीराम मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद कोची में कोचीन शिपयार्ड से जुड़े 4,400 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के बाद पीएम ने अर्नाकुलम के शक्ति केंद्र इंचार्ज सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का फॉर्मूला देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प होना चाहिए, हम अपना बूथ जीतेंगे। हम एक बूथ जीत सकते हैं तो केरल में चुनाव जीत सकते हैं। आपको अधिक मेहनत करनी होगी और हर मतदाता पर ध्यान देना होगा। केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी गठबंधन यूडीएफ का ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के इतिहास का पर्याय है, हमें ये लोगों तक पहुंचाना होगा। पीएम ने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता है कि देश के सामान्य नागरिकों की कमाई के साथ बचत भी बढ़े। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलने से देश के लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। मोबाइल डेटा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने मोबाइल और मोबाइल डेटा सस्ता किया है। 10 साल पहले मोबाइल डेटा की जो कीमत थी आज भी वही रहती तो आपका मोबाइल बिल 5,000 रुपए हर महीने आता। हमारी सरकार में देश के लोगों को हर महीने मोबाइल बिल पर 4 से 5,000 रुपए की बचत हो रही है। पिछले सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने 5 दशकों तक सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया। पिछले 9 सालों के दौरान हमारी सरकार में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इससे पता चलता है कि हमने विकास के लिए जो रास्ता चुना है वो सही है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले देश में एक कमजोर सरकार थी, तब आए दिन आतंकी हमले होते थे। आज भारत को दुनिया विश्व मित्र के रूप में देख रही है। गल्फ देशों में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। एक तरफ पीएम मोदी 10 साल पहले की कांग्रेस सरकार पर हमला कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार के झूठे वादे जनता के सामने रख रही हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 4वां दिन नागालैंड में रहा। इस दौरान उनका विशेष फोकस वहां की जनता के साथ संप्रेषण बढ़ाना और भाजपा के काले कारनामों को उजागर करना रहा। राहुल ने नागालैंड के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं यहां भाषण देने चला तो मुझे कहा गया था कि यहां के लोग इंग्लिश समझते हैं, यह एक अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह स्पीच नागामीज भाषा में ही ट्रांसलेट किया जाए क्योंकि यह आपकी आम बोलचाल की भाषा है। यह वह भाषा है जिस पर आरएसएस और भाजपा के लोग हमला कर रही हैं और अपमान भी कर रही हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भारत में इस वक्त एक वैचारिक युद्ध चल रहा है। आरएसएस और भाजपा भारत की सभी संस्कृतियों पर हमला कर रही है। मैं जब यहां आ रहा था तो रास्ते में मुझे आपकी संस्कृति, आपके रहन सहन की झलक देखने को मिली। आपकी विरासत और आपका इतिहास बेहद समृद्ध है। इस यात्रा से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर भारत राज्य भारत के किसी भी बाकी हिस्से जितना ही महत्वपूर्ण है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनसंख्या कम है या ज्यादा, लेकिन महत्व उतना ही होना चाहिए। मोदी सरकार पर हमला करते हुए राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर राज्य के 2 टुकड़े किए हैं। केंद्र की राजनीति ने राज्य को तोड़ दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज केवल 2-3 लोग देश के पूरे कारोबार को नियंत्रण कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि पीएम मोदी ने 9 साल पहले नागालैंड के लोगों से नगा संधि को लेकर एक वादा किया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आपके पास समाधान नहीं है तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास समाधान है। एक तरफ भाजपा की मोदी सरकार अपने झूठे वादों के जरिए बुरी फंसी नजर आ रही है तो वहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी इसकी समस्या कम नहीं हो रही है। कांग्रेस के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी यह आरोप लगाया है कि भाजपा राम मंदिर का क्रेडिट ले रही है, जबकि ताला राजीव ने खुलवाया था। क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस पर राजनीति कम होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा की मोदी सरकार पर लगातार आरोप लग रही है कि यह राम के नाम पर राजनीति कर रही है। कोई कहता है कि बीजेपी ने भगवान राम को हाईजेक कर लिया है, तो कोई कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी राम का इस्तेमाल कर रही है। वहीं किसी ने भगवान राम को अयोध्या से उम्मीदवार घोषित करने की बात कही है, तो कई लोग प्राण प्रतिष्ठा की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी पर राम मंदिर का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया है। कर्नाटक में बेलगांव में उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विवादित परिसर का ताला खुलवाया था और यहां मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया था, लेकिन इसका पूरा श्रेय बीजेपी के लोग ले रहे हैं। पवार ने कहा कि अगर राम मंदिर का इतिहास देखा जाए तो बाबरी मस्जिद गिराने के बाद मंदिर बनाने का जब विचार हुआ तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। मंदिर का शिलान्यास भी उन्हीं के कार्यालय में हुआ था। इसके बाद कुछ लोग कोर्ट में गए और बाद में कोर्ट ने मंदिर बनाने की इजाजत दी और मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। इसके
अलावा आपको बता दें कि एनसीपी चीफ शरद पवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण भी मिल चुका है, लेकिन 22 जनवरी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने मना किया है। उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को पत्र लिखकर प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही शरद पवार ने पत्र में लिखा कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी उसके बाद भगवान राम के दर्शन करने आऊंगा, तब तक राम मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। एक तरफ भाजपा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी से एक कदम आगे लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में लग गई है। यहां तक कि कांग्रेस आम चुनाव के अपने घोषणा पत्र की भी तैयारी कर रही है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वह चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही घोषणा पत्र जारी कर देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या होना चाहिए इसको लेकर भी पार्टी ने आम लोगों से राय मांगी है। इसके लिए आम आदमी पार्टी की आवाज भारत वेबसाइट से जुड़ सकता है। इसके अलावा ईमेल करके भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। कांग्रेस का लक्ष्य है कि वह 90 करोड़ लोगों को फोन के जरिए भी सुझाव लेगी। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वेबसाइट दिखाई और बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के द्वारा घोषणा पत्र बनाने के लिए लोगों से सुझाव मांगने के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसका नाम आवाज भारत रखा गया है, जिसमें लॉग इन करके जाए दो तरह से सुझाव दे सकते हैं। सुप्रिया सिनेट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनता की सुनने का काम किया है। हम चाहते हैं कि जनता के मुद्दे इसमें हो और जनता के सुझावों से ही मैनिफेस्टो बनेगा। उन्होंने बताया कि ये वेबसाइट ओन है और आप इसमें अपने सुझाव भेज सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने के लिए देश भर से लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। यह लोगों का घोषणा पत्र होगा और लोगों के सुझाव हर राज्य से लिए जाएंगे। चिदम्बरम ने आगे कहा कि हर राज्य के लोगों से एक बार चर्चा होगी और कुछ राज्यों में ज्यादा बार भी चर्चा हो सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव घोषित होने से पहले घोषणा पत्र तैयार होगा। 15 फरवरी तक आंतरिक रूप से घोषणा पत्र तैयार करने का लक्ष्य है। लक्ष्य तो अब जन्म तिथि को लेकर सरकार ने भी बदल दिया है, क्योंकि पहले जन्म तिथि के लिए आधार कार्ड मान्य हो जाता था, लेकिन अब इसके लिए थोड़ा बड़ा फैसला लिया गया है। क्या है वो फैसला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या करेक्ट करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ईपीएफओ ने इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। श्रम मंत्रालय के अधीन आने वाले ईपीएफओ ने यह फैसला लेते हुए कहा है कि आधार के इस्तेमाल से जन्म तिथि में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसके मुताबिक यूआईडीएआई से एक पत्र भी मिला है। इसमें बताया गया है कि जन्म तिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया गया है, इसलिए आधार को हटाने का फैसला किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक जन्म प्रमाण पत्र की मदद से यह बदलाव किया जा सकेगा। साथ ही किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से प्राप्त मार्कशीट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्ट पैन नंबर, सरकारी पेंशन एवं मेडिक क्लेम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल हो सकेगा। वही यूआईडीआईए ने बताया कि आधार कार्ड को पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि जन्म प्रमाण पत्र की तरह। तो कैसे लगे आज के समाचार, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ट्विटर फेसबुक पर हमें फॉलो करें, जिसके लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है।